बाल सफेद होने की समस्या और आयुर्वेद। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि बाल क्यों सफेद होते हैं और उसके लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपाय बताए हैं जिससे कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सके। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये वाला आपने डायलॉग जरूर सुना होगा। पर बहुत बार ऐसा होता है कि धूप में तो नहीं पर छोटी उम्र से ही बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं और इस समस्या के कारण ऐसे लगता है कि जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि हमारे देश में बाल सफेद होना मतलब बुढ़ापे की निशानी माना जाता है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, आयुर्वेद में उसके लिए क्या क्या उपाय हैं और घर पे आप ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बाल होने की समस्या से छुटकारा पा सके और भविष्य में इसे लंबे समय तक टाल सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में और आज हम बात कर रहे हैं पालित्य रोग के बारे में। पालित्य अर्थात बाल सफेद होने की समस्या। आयुर्वेद में इसे विशेष करके पित्त दोष से जोड़ा गया है। आपको भी YouTube पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, एक रात में बाल लंबा, बालों को काला करने का चमत्कार। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि इस फालतूपन में पड़ने से अच्छा है कि आप पहले समझिए कि आपके शरीर में बाल सफेद क्यों हुए। तो आयुर्वेद का ऐसा कहना है, जब भी आपके शरीर में चिंता, शोक, क्रोध, इन सारे कारणों से जो पित्त है, जो गर्मी है, वो बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ती है। अब ये गर्मी बढ़ बढ़ के बालों की तरफ आती है और ये रक्त धातु खून को भी खराब करती है। तो पित्त खराब हुआ और रक्त खराब हुआ। अब ये दोनों चीज़ें खराब हो के बालों का जो मेटाबॉलिज्म है, बालों का जो प्रोसेसिंग है, उसे बहुत फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा होने पे बाल सफ़ेद होता है, तो ये पित्त क्या करता है कि यंग एज में ही गर्मी बढ़ा के बालों की जो सफ़ेद होने की प्रक्रिया है, बूढ़ा होने की प्रक्रिया है, उसे तेज कर देता है। तो उसके लिए अगर आपको बाल सफ़ेद होने की समस्या से सच में छुटकारा पाना है तो आयुर्वेद की 6-7 टिप्स क्या क्या हो सकती हैं वो जानते हैं। टिप्स नंबर 1, पित्त को कंट्रोल करो। पित्त को कंट्रोल करो अर्थात आपका जो खान पान है उसमें मीठा, कड़वा और कसैला, ये 3 टेस्ट आप जरूर लेकर आओ और खट्टा, नमक, तीखा इसे कम खाओ। ध्यान रखिए, नमक जो है वो बाल झड़ने और सफ़ेद करने का विशेष कारण आयुर्वेद में कहा गया है। तो नमक, खट्टा, तीखा इसका प्रयोग कम करें और मीठा, कड़वा, कसैला, ये 3 टेस्ट आपके भोजन में आप जरूर यूज़ करें। टिप नंबर 2, पित्त को पेट से निकाल दीजिए अर्थात विरेचन कर्म कीजिए। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा कही गई है, उस पांचों कर्म में से जो विरेचन है अर्थात पेट साफ करने की जो चिकित्सा है वो पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, ऐसा चरक ऋषि कहते हैं। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हर 2-2 महीने में आपको पेट साफ करने के लिए जो भी बेस्ट मेडिसिन हो, बहुत सी दवाइयाँ हैं, हरंड है, एरंड का तेल है या फिर मुनक्का है, अरगवत कपिलादि वटी है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी एक जो आपके नेचर को सूट करे उसे लेकर हर 2-2 महीने में पेट साफ करते रहना, जिससे कि आपके शरीर का पित्त शांत हो और बाल जो जल्दी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं उस समस्या से आप बच सके। टिप नंबर 3, रसायन चूर्ण का प्रयोग कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो बाल झड़ना और सेक्स, इसमें बताया था कि रसायन चूर्ण किस तरह शरीर में आपके काम करता है। रसायन चूर्ण के बारे में आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि ने ऐसे कहा है, शमः शतः जीवितः कृष्ण केशा, अर्थात अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए तो आप जब तक जिंदा रहेंगे आपके बाल काले रहेंगे या काले रखने में ये मदद करेगा। तो ये जो रसायन चूर्ण है, ये खाना खाने के बाद 1 चम्मच रसायन चूर्ण, 1 चम्मच घी और 1/4 चम्मच शहद, इसे मिलाकर खाना खाने के बाद खाना, ये बालों के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करेगा और ये लंबे समय तक आपके बालों को सफ़ेद होने से भी बचाएगा। टिप नंबर 4, खाना खाते समय आंवला, काला तिल और भृंगराज, इन 3 चीज़ों को मिलाकर आपको खाने के बीच में थोड़ी सी मात्रा में ज़रूर खाना चाहिए। आंवला पाउडर इजीली मिल जाता है, काला तिल शायद आपके घर पे ही हो और भृंगराज का पाउडर आपको नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। इसे 50-50-50 ग्राम मात्रा में मिलाकर रख लीजिए और खाना जब आप खा रहे हो, समझो 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा के हुआ 1/2 चम्मच ये पाउडर खाओ और फिर ऊपर से 1 रोटी खा लो। ऐसा करने से ये जो पाउडर है
वो सीधा आपके शरीर की गर्मी कम करेगा, पित्त को शांत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, और जितनी अच्छी हड्डियां होंगी उतना अच्छे आपके बाल होंगे, तो बालों को घना भी करेगा और काला करने में भी मदद करेगा। और एक विशेष तेल, भृंगराज का तेल, भृंगराज को सभी बालों के जो तेल है उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे लोग जो पित्त प्रकृति के हैं, गर्म हैं, जिनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, उनको रोज सिर पर भृंगराज तेल लगाना एक बहुत अच्छा तरीका है बालों को सफ़ेद होने से बचाने से। यही भृंगराज तेल का नश्य लेना, इसे नाक में डालना, ये एक और टेक्निक है जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है और बाल जो बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं उसको स्लो करता है, और भविष्य में बाल आपके जल्दी सफ़ेद ना हो इससे भी आपको बचाव करने में मदद करता है। तो भृंगराज तेल को सिर पे लगाना या इस भृंगराज तेल का नश्य लेना एक कमाल की दवा है। और आयुर्वेद में लोह भस्म की जितनी भी प्रिपरेशंस मिलती हैं वो सबकी सब बालों पे बहुत अच्छा काम करती है। ध्यान रखें कि बाल एक रात में बिल्कुल ना तो सफ़ेद होते हैं और ना ही ये एक रात में काले हो जाएंगे। बहुत से लोग आर्टिफिशियल जो कलर लगा लेते हैं वो सिर्फ टेम्पररी काम करते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको चीज़ें बताई गई है वो इंटरनली, जब आप अंदर से औषधि लेके नेचुरली अपने पित्त को कंट्रोल करेंगे तो जो आपके बाल आएंगे वो नेचुरल काले होंगे, ना कि आर्टिफिशियल लिपाई पोताई करके किया हुआ। तो आयुर्वेद में जो लोह भस्म से बनी हुई बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं उसे आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से जाकर लीजिए और उसका सेवन जरूर कीजिए। लोह भस्म बालों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ भस्म है। भस्मों से आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। हमने इसके लिए YouTube पे एक वीडियो भी डाला है जिसमें बताया है कि अगर सही तरीके से आयुर्वेद की भस्म बनी हो तो एकदम सुरक्षित है। तो लोह भस्म से बनी सभी प्रिपरेशन आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इन 6-7 टिप्स का पालन जरूर कीजिए। आपके बाल सफ़ेद हैं तो भी, या आप भविष्य में नहीं चाहते कि आपके बाल सफ़ेद हों, उन दोनों में ये काम करेगा। ये 6-7 टिप्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सच में नेचुरली अंदर से खान पान या दोषों को कंट्रोल करके बाल ठीक करना चाहते हैं। बाकी तो बहुत से लिपाई पोताई के मटीरियल आपको मार्केट में मिल ही जाएंगे। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो इसका प्रयोग जरूर करें। ध्यान रखें 6 महीने से 1 साल तक इतने लंबे विधि में आप इसका प्रयोग करेंगे तो ही इसका रिजल्ट दिखेगा। ये कोई रातों रात चमत्कार या जादू जैसी चीज है नहीं, क्योंकि शरीर को बीमारी ठीक करने में टाइम लगता है। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए YouTube पर ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।